हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम करमजीत। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एडुकेटर करमजीत। एडुकेटर करमजीत चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आर्टिकल का एक इंट्रो पार्ट देखा था, जो कि सबसे ज़्यादा बेसिक्स जो थे उसके वो हमने लर्न किए थे। तो जो आज के सेशन में हम ए एन कैसे यूज़ होता है वो देखेंगे। द वाला सेशन अगले सेशन में आएगा कि द को हमने कैसे यूज़ करना है। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं करमजीत आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एडुकेटर करमजीत पे। लेट्स स्टार्ट द सेशन। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, वही चीज़ डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट सिंगुलर के साथ लगता है, ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट और वोवल के साथ किस तरह से काम करता है। तो एस एफ एम एच जो ए का साउंड आता है तो वो एक तरह से बारह खड़ी का हिस्सा होता है। तो इस तरह से यूरोपियन जो होता है वो य होता है, वो एक तरह से कॉन्सोनेंट होता है हिंदी का। तो इंग्लिश में भी हम इसी तरह से करते हैं। तो इन सभी के साथ ए लगता है और इन सभी के साथ एन लगता है। वर्ड वोवल है, लिखा कॉन्सोनेंट हुआ है, लेकिन इसकी प्रोनंसिएशन य है, तो प्रोनंसिएशन के ऊपर हम काम करते हैं। यहाँ पर वर्ड कॉन्सोनेंट है लेकिन इसकी प्रोनंसिएशन वोवल के अकॉर्डिंग है, इसलिए हम यहाँ पर एन लिखते हैं। ये हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। यस, नेक्स्ट। अब इसमें चॉइस ऑफ देखते हैं। ये बताया था कि ये वाला सिंबल जो है वो एक तरह से ऐसे आता है, तो इसका मतलब है नो एरर। तो ये वाली हमने एक्सरसाइज की थी जिन इन दोनों के साथ हम एन लगाते हैं। एक्सट्रीमली एक्स एक्स से होता है, ए टी ए से होता है, तो इनके साथ भी एन लगता है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ लेना गाइज। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं तो कॉपीराइट का इशू ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको किया है। तो अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर द करेक्ट यूज़ ऑफ ए एन। ये तो देखिए हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ए एन जो होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। आई नीड डैश पेन, अब मुझे एक पेन की ज़रूरत है। एन पेन कहेंगे या ए पेन कहेंगे, तो ऑब्वियसली ए पेन कहेंगे। प प क्या है, एक तरह से कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। आई नीड योर अम्ब्रेला, डैश अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला अ, तो अ क्या हो गया, फिर ए थोड़ी लगेगा, यहाँ पे लगेगा क्या, एन। बहुत सिंपल है, बस समझते जाइए चीज़ें, छोटा सा लेक्चर ही है, डोंट वरी। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन है, अगर मान लो आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बैंकर हैं, तो उस प्रोफेशन के साथ हम ए लगाते हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज़ अ बैंकर, शी इज़ अ बैंकर, शी इज़ एन इंजीनियर। तो प्रोनंसिएशन का ध्यान रखना है आपने खास। विद अ नाउन कॉम्प्लीमेंट, विद अ नाउन कॉम्प्लीमेंट, जब कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ कहते हैं। व्हाट वाज एन अमेजिंग न्यूज, या क्या अमेजिंग न्यूज दी है तुमने। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ब्यूटीफुल ड्रेस के साथ हम ए लगाते हैं। बहुत सिंपल है। सर्टन नंबर्स लाइक 100,000, मिलियन, डोजन, कपल, कभी भी इन नंबरों के साथ हम कुछ सर्टन वर्ड्स होते हैं इनके साथ हम लगाते हैं। जैसे आई हैव 100 रुपीज, मेरे पास 100 रुपये हैं। अ मिलियन ऑफ पीपल वर देयर, अ मिलियन ऑफ पीपल वर देयर, तो पीपल की बात कर रहे हैं वहाँ पर, वर देयर, तो अ मिलियन ऑफ पीपल मतलब 100,000 के आसपास लोग थे, तो मिलियन इसका मतलब है आप वहाँ पर गिन सकते हैं, तो उस केस में भी हम ए लगाते हैं। अ सिंगुलर नाउन इज प्लेस्ड आफ्टर मैनी, रादर, क्वाइट सच, जैसे मैनी अ स्टूडेंट। देखिए मैनी, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, मैनी एक प्लूरल वर्ड है, अगर आप मैनी के साथ ए लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। इस बात का खास ख्याल करना है, अगर आपको मैनी के बाद ऐसे मैन लिखा हो तो वो गलत है, इसकी जगह पर मैनी अ मैन आना चाहिए, ये सही है, क्योंकि मैनी अ एक तरह से सिंगुलर को डिनोट करता है, तो वहाँ पर आने वाला जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। मैनी अ मैन प्लूरल है, ये नहीं आना चाहिए। तो रादर के बाद ए आता है, क्वाइट के बाद ए आता है, क्वाइट अ ब्यूटीफुल, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग, सच अ ब्यूटीफुल, सच एन, तो इस तरह के वर्ड भी आपको आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखो, इट इज़ अ सच अ गुड न्यूज़, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग न्यूज़, क्लियर। तो ए एन अभी हम सीख रहे हैं, उसकी एक्चुअल में किस तरह से यूज़ करना है वो सारा हमें आ जाएगा। एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस स्पीड रेशियो, जब हम प्राइस की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, रेशियो की बात कर रहे हैं। He can drive 100 kilometers an hour. ये क्या है, स्पीड है। रमेश सेल्स ब्लैकबेरी 160 rupees a kilo. तो 160 रुपये के एक किलो, तो वहाँ पर क्या है, प्राइस है, ठीक है, स्पीड है,
रेशो के लिए भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे एग्जांपल्स, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि इनका भी मीनिंग होता है। इन अ फिक्स सम फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ हम ए एन लगाते हैं, इन अ फिक्स, टेक एन इंटरेस्ट टू, टेक अ फैंसी टू, ये नोटबुक के ऊपर आप उतारिए और जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो उतारिए, और उसके बाद नेट के ऊपर सर्च मारिए कि इनका मतलब क्या होता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा कॉमन भी है, बड़ी बार आता है। मैं बताता हूँ आपको, अ मैटर ऑफ चॉइस भी आता है, ठीक है, एट स्टोन्स थ्रो, अ शॉर्ट वाइल अगो, टेक एन इंटरेस्ट इन, ठीक है, ये वाले सारे फ्रेजेज आते हैं। देखो मैं दोबारा से बोल देता हूँ, इन अ फिक्स, टेक एन इंटरेस्ट इन, टेक अ फैंसी टू, इन अ हरी, हैव अ गुड नॉलेज, टेल अ लाई, इन अ नटशेल, मेक अ फूल, मेक अ नॉइस, टेक अ बाथ, कीप अ सीक्रेट, अ मैटर ऑफ चांस, एट अ डिस्काउंट, टू हैव ड्रिंक, अ शॉर्ट वाइल अगो, एट स्टोन्स थ्रो। तो ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, ईडियम्स भी हैं, इनको ईडियम्स बोलते हैं। तो इनके साथ भी हम ये फ्रेजल वर्ब भी हैं और इनको ईडियम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर ये फ्रेज की कैटेगरी में आते हैं, तो इनके मीनिंग आप ढूंढ के करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर अ प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन है तो वो कॉमन हो जाता है। जैसे ही इज़ अ शशि थरूर, ही इज़ अ शशि थरूर का मतलब है कि वो कॉमन हो गया, ये प्रॉपर नाउन है, वो जब वो कॉमन बन जाए, जैसे मान लो कोई शशि थरूर है, वो सच में शशि थरूर नहीं बन गया, मतलब वो शशि थरूर की तरह बोलता होगा, लिखता होगा। शशि थरूर तो बहुत बड़ा एक पॉलिटिशियन है, पता ही आपको, कुछ भी कह लो, ही इज़ लाइक, ही इज़ अ महात्मा गांधी, ही इज़ अ हिटलर, है ना, ही यू आर अ क्रूअल पर्सन, बड़े निर्दयी हो तुम, निर्दयी टाइप के पर्सन होते हैं। तो तब जब जब किसी प्रॉपर नाउन को हम कॉमन में तब्दील कर देते हैं, उसकी तरह कॉमन हो गए ना, जैसे तुम सचिन तेंदुलकर हो, यू आर अ सचिन तेंदुलकर, तुम एक सचिन तेंदुलकर हो, इसका मतलब है कि तुम सचिन तेंदुलकर की तरह तुम्हारी क्वालिटीज़ होंगी कि तुम उसकी तरह खेलते होगे, ठीक है। चलिए, व्हेन अ वर्ब इज़ यूज्ड एज अ नाउन, जब कोई वर्ब नाउन की तरह काम करती है, तभी देखिए, अब यहाँ पर देखो किसी सेंटेंस में दो वर्ब आ सकती हैं, लेकिन दूसरी जो पहली वर्ब होगी वो आपका सेंटेंस का मूड बताती है, ठीक है, भी किस तरह से वो पास्ट में कह रहा है कि प्रेजेंट में कह रहा है कि फ्यूचर में कह रहा है। तो ये वाला वर्ड तो हो गया प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अ वॉक, ये अ वॉक भी तो एक वर्ब है, लेकिन ये नाउन की तरह काम आ रहा है। देखिए कैसे, नमन गोज़ फॉर अ वॉक डेली, नमन हैंज गोज़ फॉर अ राइड, इस तरह से, ठीक है। तो राइड, राइड रॉड रिडन भी होता है। चलिए, वेन एक मिनट इसको रब कर देते हैं। यस, वेन काउंटिंग और मेजरिंग टाइम डिस्टेंस और वेट, जब कभी टाइम डिस्टेंस और वेट को करते हैं, जैसे $1 है तो काउंट कर रहे हैं, $1 मेजर कर रहे हैं, अ मिलियन डॉलर्स, $1 मिलियन, द रेंट इज डॉलर, ये डॉलर का साइन होता है, यूरो का भूल गया हूँ मैं, ₹200 अ मंथ, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइम की बात कर रहे हैं। द यूजेस ऑफ वन, वन इज एडजेक्टिव प्रोनाउन इज यूज अनदर वन, तो कहते हैं कि अनदर वन के साथ भी हम यूज़ करते हैं, जैसे वन बॉय एट द बर्गर, अनदर वन वॉन्टेड टू ईट चीज़ी बर्गर, एक लड़का बर्गर खा रहा है लेकिन दूसरा बर्गर, दूसरे लड़के को चीज़ी बर्गर चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वन कैन बी यूज बिफोर डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, विंटर, तो डे के साथ भी लगाते हैं, वीक के साथ भी, मंथ के साथ भी, ईयर के साथ, समर, विंटर, वन विंटर, वन समर, वन डे, वन वीक, वन मंथ, वन ईयर, है ना, वन डे आई विल विन द ट्रॉफी, वन विंटर वॉज हॉरिबल, हैड हैवी रेन, है ना। एक विंटर तो बहुत भयानक था, उन दिनों में बहुत हैवी रेन थी। ए एन वन के बारे में देखो, वन इज़ प्रोनाउन इक्वलेंट टू ए एन, होता तो है, लेकिन डिड यू गेट अ टिकट वन, येस आई मैनेज टू वन, हम दोनों तरफ से, क्या तुम्हें एक टिकट मिली, हाँ मुझे एक मिली, क्या तुम्हें एक टिकट मिली, हाँ मुझे एक मिली, तो दोनों देखो, डिड यू गेट अ वन टिकट नहीं आएगा यहाँ पर, डिड यू गेट अ टिकट, येस आई मैनेज टू गेट वन, हाँ मुझे एक मिली। तो काउंटिंग के अकॉर्डिंग और एक काउंटेबल सिंगुलर के अकॉर्डिंग, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर, यह सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज़ हो रहा है, यहाँ पर एक तरह से यूँ कह लो कि एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो ये सेकंड पार्ट की जगह पर यहाँ पर थर्ड पार्ट आना था, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, गेट रेडी टू वॉच नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।